टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये सीरीज है जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे यूरोप के चर्चित देश और स्थल का, क्यों वो चर्चा में रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है और इसमें मैं सारे उन तथ्यों को ज्योग्राफी के साथ जोड़ करके बताऊंगा। और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए और यहाँ से अगर प्रश्न आता है यूरोप से तो निश्चित मानिए कि इस वीडियो से जरूर होगा। देख लेते हैं, पहला जो देश है यूरोप का और वो है आपका फिनलैंड। ठीक है, कौन सा है? फिनलैंड है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड स्कैंडिनेवियाई देश है और इसकी जो राजधानी है वो आपकी हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी है। थोड़ा इंट्रोडक्शन इसलिए बता देता हूं, इसे 10,000 झीलों की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? 10,000 झीलों की भूमि कहा जाता है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। और इसका एक जो पार्ट है, जो एक बॉर्डर है, यानी पूर्व वाला बॉर्डर है, वो रशिया के साथ लगता है। और ये अभी हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है। कौन सा? 31वां बना है, तो इसलिए पूछा जा सकता है नाटो का, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है। साथ ही नाटो की बात कर लें तो नाटो की जो स्थापना है वो 4 अप्रैल कब है? 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 1949 को हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नाटो की स्थापना और फिनलैंड का उसमें एंट्री करना। तो सदस्य राष्ट्र चेंज हुए, कितने हो गए? 31 हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो आपने नाम सुना होगा एक नोकिया कंपनी। नोकिया कंपनी फिनलैंड की थी क्योंकि वहां नोकिया रिवर भी है। ठीक है, अब यहां से आपको दो रिपोर्ट्स को भी आपको समझना पड़ेगा। एक तो है सतत विकास रिपोर्ट। कौन सी? सतत विकास रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट 2022। ठीक, कितने? 2022 की हम बात कर रहा हूं। और ये UNSDSN के द्वारा जारी की जाती है और फिनलैंड का इसमें नंबर 1 स्थान है। अगर ये बात करें फिनलैंड का इसमें नंबर 1 है तो इंडिया की रैंक आपको इसमें इसलिए बता दे रहा हूं ताकि ये सेक्शन आपको अत्यंत मजबूत हो जाए। भारत की बात करें सतत विकास रिपोर्ट में तो इंडिया की जो रैंक है वो आपकी है 121। कितनी है? इंडिया की रैंक है वो 121 है। दूसरा यहाँ पर सूचकांक जो आता है वो आता है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस। कौन सा? वर्ल्ड यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस, विश्व प्रसन्नता सूचकांक की हम बात करें और ये 2023 का है। और ये भी कौन जारी करता है? ये भी UNSDSN जारी करता है। कौन जारी करता है? UNSDSN जारी करता है, बात समझ लीजिएगा। अब यहां पर इसका नंबर 1 तो है, किसका? फिनलैंड का तो नंबर 1 है, लेकिन इंडिया की हम रैंक बात करें विश्व प्रसन्नता सूचकांक में इंडिया की रैंक कितनी है? तो इंडिया की रैंक है 126। कितनी है? 126 है। ठीक है, ये हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं एज पर ज्योग्राफी की बात कर लेता हूं तो आपका फिनलैंड ये रहा, फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी है और फिनलैंड के जस्ट नीचे है एस्टोनिया जिसकी राजधानी तल्लिन है। और फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में जो है वो गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की खाड़ी। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, 4 जो देश हैं वो एज पर ज्योग्राफिकल की दृष्टि से ये क्या है? स्कैंडिनेवियाई देश है। लेकिन अगर भाषाई दृष्टि से देखें तो इसकी संख्या 5 हो जाती है, तब इसमें आइसलैंड जुड़ जाएगा। कौन कौन सा? डेनमार्क, डेनमार्क के बाद फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आपका आइसलैंड। ठीक है, ये यहां से थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला जो एरिया था। और ध्यान रखिएगा, इसके जो फिनलैंड और स्वीडन का जो पूरा एरिया नीचे, ये आपका बाल्टिक सागर है। कौन सा है? बाल्टिक सागर है। अब सेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं, अर्थात जो आपका कंट्री नंबर 2 है डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी बात कर लें तो डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन है। कौन सी है? कोपेनहेगन। ठीक, मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से ज्योग्राफी समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों चर्चा में है? कि इसने ये कहा कि हम समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोरेज करेंगे, दफनाएंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और हम जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रीन हाउस जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है जो ये जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है, साथ ही आग बुझाने में भी इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और केमिस्ट्री में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सोडा वाटर में कौन सी
गैस घुली रहती है तो उसका भी जो नाम है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ से ज्योग्राफी के साथ साथ मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था इसलिए आपको बता दिया। तो डेनमार्क की चर्चा में, क्योंकि उसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम समुद्र के नीचे दफनाएंगे, दबाएंगे। अब यहां से सूचकांक की बात कर लें। पहला सूचकांक है जलवायु परिवर्तन। कौन सा? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। कौन सा? प्रदर्शन सूचकांक की बात करें और यह है 2023 का। इसे जो जारी करता है वो करता है जर्मन वाच। कौन जारी करता है? जर्मन वाच जारी करता है और इसके लिए वो हेल्प लेता है न्यू क्लाइमेट एक्शन इंस्टीट्यूट का, ठीक है। और इसमें इसकी जो डेनमार्क है, इसकी जो रैंक है, इसकी जो पोजीशन है वो आपकी फर्स्ट है। तो इंडिया की भी रैंक आपको याद होना चाहिए। इसकी तो फर्स्ट रैंक है, तो इंडिया की रैंक है वो है 8। जानना बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, मेंस की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा सूचकांक है वो है यहां पर पर्यावरण प्रदर्शन। कौन सा? पर्यावरण प्रदर्शन, ठीक है। यह सूचकांक है और यह 2022 का है। कब का है? 2022 का। अब इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है और इसके लिए वो दो यूनिवर्सिटी की भी मदद लेता है और वो यूनिवर्सिटी है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। अब इसमें इसकी तो फर्स्ट रैंक हो गई डेनमार्क की, लेकिन इंडिया की हम रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक 180 है, यानी सबसे अंतिम रैंक दी गई है, जो कि बड़ा खतरनाक मानी गई है। और इसकी आलोचना भी हुई कि इन्होंने तथ्यों को सही तरह से परखा नहीं है और भारत को अंतिम रैंक दी है 180, 180, 180, ठीक है। साथ ही वर्ल्ड वाटर फोरम की बात करें, कहां की? वर्ल्ड वाटर फोरम। और इस वर्ल्ड वाटर फोरम 2022 में जो आयोजित हुआ है वो कहां हुआ है? वो भी डेनमार्क में हुआ है, ठीक है। अब यहां पर हम ज्योग्राफी देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी की दृष्टि से देखें तो ये आपको दिखाई दे रही होगी जर्मनी और डेनमार्क। डेनमार्क इसकी सीमा पर ये है कील नहर। कौन सी है? कील नहर। अब कील नहर यहां पर है बाल्टिक सागर, तो किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और इधर है आपका वो है उत्तरी सागर। कौन सा है? उत्तरी सागर है, ठीक है। तो कील नहर किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो सेक्शन है। और इसकी जो सीमा है स्थल, स्थल की जो सीमा है वो किससे? जर्मनी से जुड़ी हुई है। तो ध्यान रखना किससे जुड़ी है? जर्मनी से जुड़ी हुई है। अब यहां की हम खाड़ियों की बात कर लेते हैं, खाड़ियों की बात कर ले। तो देखिए यहां पर स्टोर स्ट्रेट है। कौन सी है? स्टोर स्ट्रेट है। और स्टोर स्ट्रेट जो है वो किसमें? डेनमार्क में। कहां पर है? डेनमार्क में। और डेनमार्क का यह फुनेन, ठीक है, ये वाला सेक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और फुनेन और एक है लोलैंड, ठीक है। तो लोलैंड और फुनेन के बीच में एक स्ट्रेट है, वो है लेंगुलाना। कौन सी? लेंगेलैंड। लेंगेलैंड वो कहां पर है? लोलैंड एंड फुनेन के बीच में है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों, ये तीनों जो बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, फुनेन दिखाई दे रहा है, जीलैंड दिखाई दे रहा है और आपका लोलैंड दिखाई दे रहा है, ये किसके पार्ट है? ये डेनमार्क के पार्ट है। आई थिंक इस बात को आप समझ लिए होंगे। अब बात करें हमारा स्विट्जरलैंड की, प्यारा सा देश जहाँ पर अक्सर पर्यटन के लिए लोग घूमने जाते हैं, चर्चा में रहता है। और जिनेवा यहाँ का बहुत प्यारा सा सिटी है और वहाँ अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके हेडक्वार्टर भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है वो आपकी बर्न है और इसी का एक शहर है हेग, जहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड क्यों चर्चा में है? स्विट्जरलैंड मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। कौन सी? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है वो है 2021 और 22 की, ध्यान रखना 2021 और 22 की है, ठीक है। तो जी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021 की है। अब देखो इससे जो आपका इंडिया है, इंडिया की रैंक कितनी होगी? इंडिया की रैंक है 132, ध्यान रखना। और जबकि जानते हो स्विट्जरलैंड की तो आपकी फर्स्ट होगी।
धारणा में जो इसका चित्र बता रहा हूँ उसकी फर्स्ट रैंक होगी, और इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी है, 132 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए था, ठीक है। अब स्विट्जरलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड पे देखिए कहां से गिरा हुआ है, उत्तर में ये जर्मनी से गिरा हुआ है। कहां पर है, जर्मनी से गिरा हुआ है, ध्यान रखना जर्मनी है, ठीक है। और इधर जब देखेंगे तो ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, कौन सी राजधानी है, वियना नदी है, वियना है, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो ये इटली से गिरा हुआ है, कहां से, इटली से गिरा हुआ है, ठीक है। और जब हम पश्चिम की बात करें तो ये फ्रांस से गिरा हुआ है, तो फ्रांस, ठीक है। अब जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, जर्मनी सॉरी स्विट्जरलैंड और फ्रांस, ठीक है। तो यहां पर जो स्विट्जरलैंड में कौन सी है, वो लेक जिनेवा। तो पूछ लेता है कि कौन सी झील आपकी स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है, तो वह जिनेवा झील, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत प्यारी झील है, यहां पर देख लीजिए उसको। अगली बात कर रहे हैं तो प्यारा सा देश हमारा फिर एक और आ गया, जर्मनी। प्यारा भी है क्योंकि एक बार कभी दबंग भी रहा है, जर्मनी है। अब जर्मनी क्यों चर्चा में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या यहां पर 48वां G7, कौन सा 48वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है, कब हुआ, 2022 में हुआ। डेट कौन सी है, तो डेट हम बात करेंगे तो 26 से 28 जून, कौन सी है, 26 से 28 जून को हुई है G7 में। अब पहले G8 हो गया था, उसमें अब रशिया नहीं है G7 का, तो इसलिए यह पूछी आपकी जा सकती है। साथ ही जर्मनी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने विश्व में पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है। क्या चलाई है, हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है, किसने चलाई है, जर्मनी ने चलाई है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की जो राजधानी है वो बर्लिन है, और बर्लिन स्पी नदी के किनारे है। यहां पर एक और आता है शहर हैमबर्ग, जो हैमबर्ग है वो एल्ब नदी के किनारे है, कौन सी, एल्ब नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ये दोनों अक्सर पूछे जाते रहते हैं, ठीक है। अब बात करें हम आइसलैंड की, आइसलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, रिग्जाविक है, कैसी है, रिग्जाविक। और ये कैसी है, उत्तरतम राजधानी है, क्या है, उत्तरतम राजधानी, विश्व की उत्तरतम जो राजधानी है वो कौन सी है, ठीक है, आइसलैंड है। आई थिंक आप वो ये बात को समझ में आ गया होगा। अब आइसलैंड क्यों चर्चा में, इसकी बात और चर्चा, इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, कौन सा, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, इसमें आइसलैंड की कौन सी रैंक है, इसकी रैंक है फर्स्ट रैंक है, कौन सी है, फर्स्ट रैंक है। अब चूंकि इंडिया की भी बात कर लेते हैं, तो इंडिया की जो रैंक है वो 135वीं है, कौन सी है, 135वीं है। और जो अंतिम रैंक है, अंतिम जो स्थान है वो आपका अफगानिस्तान का है, किसका है, अफगानिस्तान का है। दूसरा जो इंडेक्स है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, ये भी किसका है, ये आपका 2022 का है, किसका है, 2022 का है। और इसमें आइसलैंड की तो फर्स्ट रैंक है, लेकिन इंडिया की हम बात करें, इंडिया की रैंक यहां भी कौन सी है, 135वीं है, तो ये आपका पूछा जा सकता है। अगला जो देश है वो है पोलैंड, पोलैंड की राजधानी वारसा, कौन सी है, पोलैंड की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है वारसा। और इसकी सीमा किसे स्पर्श करती है, इसकी सीमा आपका यूक्रेन से स्पर्श करती है, और पोलैंड ने अभी जो यूक्रेन है उसे अपने विमान दिए हैं, हथियार सामग्री दी है, और MiG-29 उसने जो लड़ाकू विमान है वो यूक्रेन को दिए हैं। साथ ही इसके एक और है स्लोवाकिया, एक देश है स्लोवाकिया, तो स्लोवाकिया और पोलैंड ने दोनों ने यूक्रेन को क्या है, रक्षा सामग्री प्रोवाइड कराई है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से इसलिए ये प्रश्न पूछ सकता है। पोलैंड की राजधानी वारसा है, ये विस्तुला नदी किनारे है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, विस्तुला नदी के किनारे ये स्थित है। आगामी जो देश करें तो है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड
जो है, तो इसने जो महिलाओं की जो मासिक पीरियड्स होता है, महावारी होती है, उसके लिए फ्री उत्पाद देने की योजना बनाई है। और वहां पर महिलाओं के लिए जो महावारी प्रोडक्ट है, मासिक जो प्रोडक्ट है, वो कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इसलिए ये आपका इम्पोर्टेंट देश हो जाएगा। साथ ही बात करें अगला जो है क्रोएशिया, क्रोएशिया जिसकी राजधानी जग्रेब है, पूछी जा सकती है क्या है जग्रेब, जग्रेब यहाँ की क्या है राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इटली और जग्रेब के बीच में, इटली और क्रोएशिया के बीच में एंड्रियाटिक सागर है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। और फीफा वर्ल्ड कप में इसका कौन सा स्थान था, तीसरा रैंक था, किसका, पहला तो अर्जेंटीना का था, दूसरा फ्रांस का था, तीसरा जो था वो क्रोएशिया का था, और चौथा आपका मोरक्को का था। तो ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल आपके लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्रोएशिया, तो क्रोएशिया अब किसको स्पर्श कर रहा है, एंड्रियाटिक सागर को यह टच कर रहा है, तो ये वाला जो सेक्शन है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए अगला जो देश है वो है नॉर्वे, कौन सा, नॉर्वे है, नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है, क्या है, ओस्लो है, ठीक है। और ये भी क्या है, स्कैंडिनेवियाई देश है और फ्योर्ड तट के लिए यह प्रसिद्ध है, क्या है, फ्योर्ड तट के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन सा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है। और ये जो है 2022 का है, क्या है, 2022 का है, और इसमें जो इसका जो स्थान है वो आपका है फर्स्ट रैंक है, ठीक है। उसके बाद अगला जो देश है वो है बेल्जियम, ठीक है, क्या है, बेल्जियम है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स है, क्या है, ब्रुसेल्स है, इसकी राजधानी जो है क्या, ब्रुसेल्स है। अब बेल्जियम के ऊपर चर्चा में है कि मंकी पॉक्स से प्रभावित लोगों के लिए उसने 21 दिन का क्वारंटाइन टाइम घोषित किया हुआ है, कि जिसको मंकी पॉक्स हुआ है उसे 21 दिन का क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, इसलिए चर्चा में। और ये एक अच्छी न्यूज थी वहां के हेल्थ को लेकर के, तो इसलिए पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब बात आती है इंग्लैंड की, इंग्लैंड राजधानी लंदन, जो लंदन है वो टेम्स नदी किनारे है, लंदन किसे है, टेम्स नदी के किनारे है, ठीक है। और ध्यान रखना यहां पर जो सबमिट हुई है, जो सबमिट हुई है वो आपकी है एजुकेशन वर्ल्ड फोरम, कौन सी, एजुकेशन वर्ल्ड फोरम, ठीक है। जो एजुकेशन जो वर्ल्ड फोरम है वो 22 से 25, ठीक है, ये कब हुआ, 2022 में हुई है, यहाँ पर 23 नहीं था ना, ये क्या है 2022 में हुई है। साथ ही यहाँ पर 15 मार्च 2023 को, कब, 15 मार्च 2023 को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज सबमिट हुई है, कौन सबमिट हुई है ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज सबमिट हुई है, और वो 15 मार्च 2023 को है। तो ये जो सारे पॉइंट थे जो यूरोप से संबंधित थे, जो मैंने आपको डिस्कशन कराए थे। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं और बता दूं कि हमारा आरओ और एआरओ का जो टेस्ट सीरीज और क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है, और एक ऑफर है 15 मई तक है कि आपको मात्र 1999 रुपये में ही ये सारा टेस्ट मिलेगा। इसमें 45 फुल टेस्ट होंगे, 50 ऑनलाइन टेस्ट होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ये ज्वाइन करके आप को कुछ हेल्प मिल सकती है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भेज दीजिएगा। धन्यवाद।